हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल उड़द दाल के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम चीनी ली है। चीनी को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। साथ ही में हमने जो सूखा नारियल, काजू और बादाम लिए हैं, इन्हें हम मिक्सी जार में दरदरा पीसेंगे। तो हमने 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू लिए हैं और साथ ही में हमने आधा सूखा नारियल लिया है। इसे हमने इस तरह के थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 100 ग्राम गोंद लिया है। और हमने 500 ग्राम उड़द दाल का आटा लिया है और 100 ग्राम गेहूँ का आटा। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप देसी घी ऐड करेंगे और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी गरम होने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद ऐड करते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी में डालने के साथ ही ये फूलने लगा है, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में फ्राई हो जाएगा और इसे घी में से निकाल कर बाकी के गोंद को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो मैंने गोंद को घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे हाथों से क्रश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो घी ऐड किया था उसकी आधी क्वांटिटी अभी भी पैन में बची हुई है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे उड़द दाल का आटा। साथ ही में हमने जो गेहूं का आटा लिया है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने उड़द दाल का और गेहूं का आटा छान कर लिया है। तो हम पहले इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने 2 कप घी लिया है। तो घी की आधी क्वांटिटी मैंने पहले ऐड कर दी थी और बाकी का घी इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और घी में इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको भूनते वक्त गैस की फ्लेम को हाई कर दिया तो ये जल जाएगी और उड़द दाल का कच्चापन भी दूर नहीं होगा। और इसकी भुनाई करते वक्त आप इसे चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो इसमें दाग लग सकता है। तो पहले के 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ठंडी के मौसम में खाए जाने वाले इन हेल्दी उड़द दाल के लड्डुओं की कई अलग अलग रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज हम आपके लिए इसकी एक सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं, ताकि आप भी इन लड्डुओं को अपने घर पर आसानी से बना सकें। तो इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हमने भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो अभी तक हमने इसकी सिर्फ आधी ही भुनाई की है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए और भून लेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली ना हो जाए। तो देखिए, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक और लो फ्लेम पर 15 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, यानी कि टोटल मैंने इसकी 25 मिनट तक भुनाई की है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना डार्क हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले के मुकाबले थोड़ी पतली हो गई है। तो बस इतना ही हम इसे भूनेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन भी गर्म है और दाल भी तेज़ गर्म है। तो इसलिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसे 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि ये इसकी ही गर्मी से और पकने लगेगी। और फिर हम इसे रूम टेम्परेचर पर हल्का ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस दाल को रूम टेम्परेचर पर हल्का ठंडा कर लिया है, यानी कि ये थोड़ी सी गर्म है लेकिन ज़्यादा नहीं। और इस स्टेज पर हमने जो बादाम दरदरी पीस कर रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड कर देंगे दरदरे पीसे हुए काजू और जो हमने पीसा हुआ सूखा नारियल लिया है उसे भी ऐड कर देंगे।
और हमने जो गोंद फ्राई करके रखा हुआ है उसे हमने फ्राई करने के बाद इस तरह हाथों से क्रश कर लिया। तो हाथों से क्रश करने के बाद आप इसे इसमें ऐड कर दीजिएगा। और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में हमने जो चीनी पीस कर रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लड्डुओं को थोड़ा कम मीठा रखना चाहते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर जब हल्का गर्म हो तभी हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो चीनी इसमें ऐड करने के साथ ही मेल्ट हो जाएगी और लड्डू सही से बनेंगे नहीं। और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसका लड्डू बनाएंगे और बाकी के लड्डू हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। आप थोड़ी बड़ी साइज़ के या फिर छोटी साइज़ के लड्डू भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आसान और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।